Hello, Vachu. Let's see the question. The correct order of steps in polymerase chain reaction PCR is option A, extension, denaturation, annealing. Option B, annealing, extension, denaturation. Option C, denaturation, extension, annealing. And option D, denaturation, annealing, extension. So, firstly, see about the key concept of this question. And here we are going to see about the PCR. देखो जो पीसीआर है इट मीनस पॉलमरीज चैन रिएक्शन पॉलमरी चैन रिएक्शन एंड इट अकर मेनली इन थ्री स्टेप्स एंड वॉट इज द यूज ऑफ पी सी आर इट इज यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डी एन इट इज अ मॉलिक्यूलर टेक्निक विच इज यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए और वी कैन से जीन एंड पी सी आर अकर इन थ्री स्टेप्स पी सी आर थ्री स्टेप्स में होता है पहला जो इसका स्टेप है दैट इज द डी नेचुरेशन डी नेचुरेशन तो इसमें डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको डी नेचुरेशन करके दोनों स्टैंड को अलग करते हैं डी एंड सेपरेट बोथ स्टैंड सेपरेट बोथ स्टैंड और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है दैट इज अराउंड नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है दैट इज़ दी एनिलिंग एनिलिंग जो स्टेप होता है इसमें प्राइमर का यूज़ किया जाता है यूज प्राइमर और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज अराउंड सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्शियस और जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है एक्सटेंशन और इस एक्सटेंशन के स्टेप में जो टेम्परेचर रिक्वायर है डेट इज सेवेंटी टू डिग्री सेल्शियस और जो एंजाइम यहाँ पे काम आता है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है दैट इज टेकमरेज एंजाइम विच इज यूज इन द स्टेप ऑफ एक्सटेंशन ठीक है तो यहाँ पे देखो तीन स्टेप में सबसे पहला होता है डी नेचुरेशन विच इज गिवन इन ऑप्शन सी एन डी सेकेंड एनलिंग होता है और एट लास्ट आता है एक्सटेंशन तो हियर फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन डी होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक